अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं हमार अल्ताफ़ सहारन अल्ताफ़ विलेज ब्लॉग से। जनाब ठीक ठाक हैं, कैसे आप दोस्त? तो आज हम आए जी यहाँ पे करीम वाला पे और भाई अल्लाह रिता से मिलने और नूरदीन भाई से। असल में बड़ा तो नूर भाई हैं वो, लेकिन इस वक्त नहीं है। और सिजाद भाई खड़े थे और अल्लाह रिता भाई खड़े थे। तो जनाब ये देखें नूर वाला करीम वाला के हम आए हैं ये देखने, बंद करें। ये देखें जी ये खड़े हैं भाई। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ही वे भी ऐसे हैं अल्लाह रिता भाई। सिजाद भाई तुम सुनाओ, अब्बास भाई तुम सुनाओ। शुक्र है अल्लाह पाक दा बड़ा करम है जी। तो एक मिनट बंद करो आसान मेल में इत चाहिए मैंने घर घर चाहिए मैंने एक प्लेट एक पे आवा जल्दी आ। सिर्फ ये करा में बर्फी जावे हलवा तो आप खमणे अगे हलवा सारे इलाके मशहूर सुगा दी वे रابطہ कर दे आवने। तू मेको भाई का छोड़ सजा भी दे तू भी यकीन कर कोई ऐसा बंदा कह नहीं जरा सारे कोई तू मतलब मुंह खराब तो कर गया या वीडियो देख दे रह गए चल व्लॉग तो कहने पड़े ना करी हां ऐसे रابطہ ना लावने। दोस्तों हम करीम वाला पे आए हैं, लेकिन जब भी आप यहां पे आए तो आप दोस्तों ने ये ख्याल करना है के बगैर रबते पे कभी ना आए, क्योंकि फैमिली का घर होता है। लोग आए ऐसे जैसे ये आप गेट देख रहे हैं ना सामने, ऐसे लोग अंदर ही चले जाते हैं, वो नहीं देखते, वो कहते हैं देरादारी है। लेकिन ये घर है, हम भी बाहर खड़े अंदर नहीं गए, क्योंकि हमें भी एहसास है यहाँ पे जो फैमिली रहती है नूरदीन दीन भाई और ये अल्लाह दिता ये भाई खड़े हैं सारे। तो अच्छा नहीं लगता कि आप डायरेक्ट ही अंदर चले जाएँ, ख्याल क्या करें, एहतियात क्या करें। आप दोस्तों की यही मेहरबानी होगी कि आप एहतियात क्या करें। आप दोस्तों के लिए हमने ख़ास ये व्लॉग बनाया है जहाँ पे आके करीम वाला पे। तो ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट अंदर चले जाएं, मैं भी अंदर नहीं गया, बाहर ही बाहर से बना रहा हूँ व्लॉग। और चूँकि जितनी कोशिश होती है दोस्तों हमें इनका साथ है, इनकी सुलह हुई है, हम तो मुबारकबाद देने आए थे, लेकिन हम भी अंदर नहीं गए डायरेक्ट। मिसाल के हम भी चले जाते हमें पता चल गया, चूँकि फैमिली रहती है अच्छा नहीं लगता वहाँ बंदा चला जाए, चूँकि ये गरीब ज़रूर हैं। ये तो नहीं है कि अभी गरीब गरीब के अंदर डायरेक्ट आप चले जाएं, नहीं ऐसा नहीं करना कभी आपने। आप जब भी आए पहले रबता नंबर ले हो तो ले कर आए, ऐसे ना आए। क्योंकि हम भी ऐसे आ गए थे अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि घर फैमिली वाला घर है, ये गरीब हैं, ये आप देख रहे होंगे कच्चे घर हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट ही अंदर चले जाएँ, ये बड़े गलत काम है। इसीलिए मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा जब भी आए आप रबता करके हैं जैसे भी हैं, लेकिन डायरेक्ट अंदर घर में ना जाया करें। ये अल्लाह दिता भाई खड़े हैं और सिजाद भाई हैं, ये उनका छोटा भाई खड़ा है, और मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अब्बास साहब हैं, ये यहाँ हेडराज कर रहने वाले, ये भी हमारे साथ रहते हैं। तो आपने डायरेक्ट कभी नहीं आना, एहतियात क्या करें, इस घर का एहसास करें। यहाँ अम्मा रहती है, उनकी बीवी बच्चे रहते हैं, जो लोग अक्सर आते हैं डायरेक्ट ही अंदर चले जाते हैं। तो मैं मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं ऐसा मुनासिब नहीं समझता जैसे लोग ये डायरेक्ट चले। तो कोशिश किया करें कि यहाँ पे एहतियात करके आए, ज़रूर आए, मोहब्बत रखें इनके लिए, क्योंकि इतना बड़े स्टार अल्लाह बनाया है। तो आप कोशिश करें कि मोहब्बत रखें, हालांकि डायरेक्ट ना जाएँ, आप पहले किसी से रबता करें फिर यहाँ पर आएँ। तो इंशाल्लाह ये आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे, कभी भी आपको मायूस यहाँ से नहीं लुटाएँगे। अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो फिर यार अफसोस होता है, उनको भी होता है बाकी लोगों को, क्योंकि ये इनकी बरादरी बैठी है इधर, बरादरी जो बैठी है ना, फिर वो कहते हैं कि हैं चल दें जी। दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे, अगर कोई व्लॉग बनाना हो तो इंशाल्लाह आएंगे, वैसे आएंगे, ज़रूरी नहीं व्लॉग के बगैर भी हम इनको मिलने आ सकते हैं। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपनी कोई वीडियो शूट